मेला से एक चीज हम लेके आए हैं, वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये क्या चीज है, नाम तो नहीं पता, लेकिन जहाँ से जो हम लोग लाए ना, इसको भैया बोल रहे थे कि इसको पानी में 1 घंटा तक रखने से ना फूल जाता है। जब फूल जाएगा तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। इसके सिवा तो और कुछ मिला ही नहीं, इतना भीड़ था ना कि कहना ही नहीं। अलग अलग मेला में नहीं, आदमी लोग भंडारा में गया हुआ है। इससे पहले आज तक हम कभी इतना भीड़ पे गए नहीं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि बहुत घटिया गया, वो हम बता भी नहीं सकते। पहले जब भी हम लोग गए ना, उतना भीड़ कभी नहीं देखे, कहीं कि संडे को तो कभी नहीं जाना। आज के काम पकड़ लिए, कभी नहीं जाएंगे संडे को। बहुत लेट हो रहा है, मुस्कान को लेने जाने का टाइम हो गया है, और मौसम भी ऐसे करके रखा है, तो कभी धूप कर रहा है, कभी छाया कर रहा है, और पानी भी थोड़ा देर पहले बूंद बूंद गिरा रहा था, तो वही मैं सोच रही हूँ कपड़ा अंदर कर देती हूँ, वरना फिर भीग जाएगा। ये चादर मैं सुबह में ही धो करके डाली हूँ, अभी अगर छोड़ करके चली गई ना तो कहीं बारिश हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उतार लेती हूँ। कपड़ा सूखा नहीं है, मगर अभी यहीं पे रख करके जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है अभी इसको मैं अंदर में डालूं। तो अभी फिलहाल मैं जल्दी से पहले मुस्कान को लेने के लिए जाती हूँ, वरना लेट हो जाएगा। मौसम भी पता नहीं क्या कर रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए। छाता वगैरह मैं ले लेती हूँ, हो सकता है कि बारिश आ भी जाए, या हो सकता है बारिश ना भी आए, कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि कभी बारिश तो कभी बादल हो रहा है, कभी छाया हो रहा है। तो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं मुस्कान को लेकर के आई हूँ स्कूल से, और मैं बैठी हूँ, करीब 10-15 मिनट हो गया बैठे बैठे, अब पसीना भी सूख गया। बाहर में धूप, मतलब कैसे कर रहा ना, बादल हो रहा है फिर धूप कर रहा है, फिर बादल हो रहा है फिर धूप कर रहा है, ऐसे हो रहा है। और मतलब कि बादल अगर नहीं भी है ना, तो इतना गर्मी लग रहा है ना, वो वाला गर्मी जो हम लोग कहते हैं ना, बदर कट्टू धूप सेक रहा है, तो वही वाला धूप, मतलब कि आफत हो गया है। मुस्कान तो डांस कर रही है, मुस्कान उसमें वो क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम नहीं पता है, वो खुला करके रखी थी। इधर आपको टेबल मेरे को दिखाते हैं, खुला करके रखी थी, वो भी बड़ा बड़ा हो गया। भैया बोले थे ना कि 1 घंटा में हो जाएगा, एकदम झूठा खबर था। बहुत टाइम लगा, सुबह में खुला के गई थी, रुको ना बैग के अंदर से दिखा देते हैं। तो ये रहा, फूल गया मुस्कान, बस दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा पानी है इसीलिए, और फूलेगा। हाँ हाँ, ये वाला और फूलेगा कि नहीं फूलेगा, देखे हाथ, देखे हाथ में, देखे ये कैसे लिप लिप कर, ये वाला हाँ, ये भी हार्ड है, लग रहा है फूलेगा ही नहीं, फूलेगा। सुबह में तो बहुत दिख रहा था ना, जानती है, हम सब पानी डाल दिए थे और ताकि और फूल जाए अच्छे से। नहीं नहीं, फेंक के नहीं डाले हैं, बस इसी में डाले। कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन चमक रहा है, लेकिन फ्लावर नहीं फूला है अभी तक, फूलेगा। कितना 4 दिन लगेगा टाइम इसको फूलने में। ये रही लड़की, आते ही सो गई, फिर टपक गई। तुम सो कहा जाते ही आते आते, बताओ तो थक के आई है, तुम मोटू के ऊपर सोएगी, बेचारा अकेले खोज रहा था तुमको। क्या खा रही है, चॉकलेट खा रही है, रोज का ही धंधा ना, स्कूल से आकर झूठी नहीं, तो चॉकलेट ऐसे ही खत्म हो गया पूरा पैकेट, 3-4 दिन में खाते हैं। ओह, उसको दी, तेरा मोटू को दी, ऐसे ही मोटू हो गया ना, डाइटिंग में है। थोड़ा बालूशाही खाया जाए, मैं बालूशाही बनाई हूँ ना, दिखाती हूँ मैं अभी। ये रहा हार्ट शेप का, इसको मुस्कान को देते हैं। मुस्कान, हार्ट शेप वाला है, हार्ट शेप वाला है, देखो तेरे लिए स्पेशली। बेड में खाली मत गिराना, ठीक है, अब उसको खिला रही है, उसको मत खिलाओ, नहीं खाएगी, तुमको नहीं खाना है, चॉकलेट खा लिया, नौटंकी फरिया रही है। अब खाना खा लिया जाए, और आने के बाद
ये बल्ब 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, जैसे ही ऑन कर रहे हैं ये ऐसे ऐसे हो रहा है, फूटा दिख रहा है। हाँ, और आने के बाद फिर से एक बार नहा लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा था, बारिश तो हुआ नहीं गर्मी लग रहा था, तो अभी खाना निकालते हैं फटाफट से। पहले खाना निकाल ली हूँ मैं, और ये मुस्कान का खाना है, दाल चावल और सब्जी। लो मुस्कान खा लो, मुस्कान तैयार है खाने का, खाने के लिए का क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ भी मुंह से निकल जाता है कभी कभी। और मन्नू तो लेट से आता है, तो आजकल मुस्कान वेट नहीं करती मन्नू के आने का, क्योंकि मन्नू को बहुत लेट हो जाता है। ये मेरा खाना है, रोटी है, सब्जी है, तो शुक्र है कि मुस्कान का आदत क्या है रे खेल रही है, शुक्र है कि मुस्कान का आदत छूट गया मन्नू का वेट करने का, वरना बहुत परेशान करके रख देती थी। अभी लोग दोनों में से कोई भी नहीं खाया हुआ रहता था, तो मैं कैसे खा लेती, मेरा भी पूरा दिन का फास्टिंग हो जाता था। तो मुस्कान का आदत थोड़ा बदल गया है खाना खाने का, अब मन्नू का वेट नहीं करती है। तो हम लोग पहले फट से खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आम लेके आ गई, मैं भूल गई थी कि मैं आम लेकर के आई हूँ, तो इसको काटते हैं। चाकू इधर रखा हुआ है, क्या करेगी, उससे थोड़ी ना कटता है। पहले आम काटते हैं, तो खाते खाते जाएगी घर, बैठ के खाएगी नहीं, पहले ही खाते खाते जा रही है लड़की। पूरा आम अकेले खाएगी, हमको देगी एक दो पीस नहीं देगी, का है तेरा है, हम खाएंगे, हमको भी चाहिए। लेके आई है, तब से बस इसी से खेलना है, इसका पूरा पानी निकाल दिए, कितना सुंदर दिख रहा है, देखा नहीं तो कितना सुंदर दिख रहा है, देखो कितना चमक रहा है। ये फूल देखो गिरा भी रही है, अच्छा से तो रखो, इसका पानी निकाल दिया, अब नहीं लग रहा है कि अब फूलेगा, कितना प्यारा लग रहा है। ये रहा, फिर से टेढ़ा हो जा रहा है बार बार। और अभी हो गया है शाम, और मैं आ गई हूँ बाहर, गमले वाले पौधे में पानी डालना है मुझे। मैं इंतजार कर रही थी कि बारिश होगा तो डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन बारिश हुआ नहीं, और ये गुड़हल का डाल बहुत नीचे लटक गया था ना, तो वही सर में टच कर रहा था, तो मैं समेट दी हूँ। और बहुत आराम से देखते देखते आजकल जाना पड़ता है, क्योंकि एक तो बारिश का दिन है, उस पर से घास भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, और शाम का समय हल्का हल्का अंधेरा अंधेरा हो गया, तो वही मैं देखते हुए जा रही थी, क्योंकि आजकल सांप वगैरह कुछ भी होता है। कल ही मैं आंगन में एक देखी थी, और वो काफ़ी देर तक आंगन में ही था, मेरे गार्डन में घुस रहा था फिर निकल रहा था, तो वही डर लगता है। और मुझे सिर्फ गमले वाले पौधे में ही डालना था पानी, ज़मीन वाला में नहीं डालना था, क्योंकि हल्का फुल्का कभी कभी बारिश होता है ना, तो वो ज़मीन गीला ही है, और ये वाला पौधा तो वजह से थोड़ा सा मुरझा गया था। और मैं मकई बोल करके गई थी, तो वही गर्म है, तो मैं उसको चिमटे से भी निकाल लूँगी, क्योंकि मुस्कान मांग रही थी। और आज कुछ वीडियो खास शूट नहीं कर पाई मैं, बस इतना ही मैं शूट कर पाई, तो मैं यहीं पे एंड भी कर देती हूँ।